तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए कितनी अहम। एक शिकवा करूं तुम, तुमने ही तो कहा था कि दिल में कोई बात नहीं रखनी चाहिए। दिल चाह रहा है तुम्हें डांटने का। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी बात का एतबार नहीं किया। माफ कर दो, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। ऐसे मत कहो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। खुसर ड्रामे की आने वाली साथ में हम लोग देखने जा रहे हैं कि शाजमा तो सबका मुंह देख रही है कि उसने क्या चाहा और क्या मिला। अब शाजमा जल्द अज जल्द किसी से शादी करना चाहती है और चाहती है कि वो जिस तरह से भी हो बाहर चली जाए। लेकिन अब जब उसे शादी करेगी वो लड़का तो फ्रॉड निकलेगा, उसे इज्जत ख़राब करके उसे धक्के देकर घर से निकाल देगा और फिर उसका कोई भी सहारा नहीं बनेगा क्योंकि शाजमा सबके खिलाफ जाकर उसे शादी करेगी। सिर्फ यही नहीं, शाजमा के सारे पोल सबके सामने खुल जाएंगे जिसके बाद कोई भी शाजमा को सहारा देना नहीं चाहेगा। अब शाजमा ने सबका बुरा चाहा लेकिन सब भी खुश हैं सिवाय शाजमा के। शाजमा ने तो अपनी बर्बादी खुद अपने हाथों से कर ली। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है, किसकी एक्टिंग अच्छी लग रही है और कौन कौन ड्रामे की हैप्पी एंडिंग चाहता है, कमेंट करके अपनी कीमती राय से हमें लाजमी आगाह कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारे चैनल पर चलने वाली हर नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको बआसानी और वक्त पर मिलता रहे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।